हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज़ोया, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आई हूँ राजौरी गार्डन में, दिल्ली में। भाई दिल्ली आऊँ, राजौरी गार्डन ना आऊँ, और राजौरी गार्डन आकर मैं चाट ना खाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। चाट तो सभी की मनपसंद है। तो यहाँ मैं आपको ले चलती हूँ चाट की दुकान पर, जहाँ मैं खाती हूँ ब्रेड टिक्की, बहुत मशहूर है। ये सचिन चाट भंडार है, ये राजौरी गार्डन के अंदर एंटर करते ही ये भैया बनाते हैं। उनकी ब्रेड टिक्की आप खाएँगे ना, बार बार जाएँगे। इनको कितने साल हो गए हैं, कब से बना रहे हैं, कितनी पीढ़ी हो चुकी है, कितने फैमिली मेंबर हैं, आप खुद ही सुन लें। एक आलू चाट भी पैक कर देना उसमें। नहीं नहीं वो खाना है। मसाला हल्का तेज, मसाला भैया मीडियम, ठीक है जैसा आप कहें। भैया कब से आपकी ये शॉप? मैम 35 ईयर यहीं पर ही। हाँ जी। अच्छा, मेरे फादर से मैं लगाता हूँ। ऑर्डर वगैरह भी लेते हो? सारा कुछ, रेटिंग्स वगैरह का ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने दिन पहले बताना होता है? मैम कम सीजन महीना पहले तो बताना पड़ेगा। अच्छा, ब्रेड टिक्की और इसी का ही आलू चाट का? नहीं, सब कुछ, सब कुछ करते हैं। कैटरिंग करते हैं पूरा? सारा पूरा कैटरिंग, चाट चाट का, चाट का। तो सुना आपने, इनको 35 साल हो चुके हैं और मैं 10 साल से मैं यहाँ पर आती हूँ और ब्रेड टिक्की खाती हूँ। बचपन से ही मैं खाती आ रही हूँ, ये मुझे इतनी अच्छी लगती थी ब्रेड टिक्की, और टिक्की भी मैं खाती हूँ। इनका आलू चाट का भी मसाला भी बहुत अच्छा है। ये बना रहे हैं मेरी ब्रेड टिक्की। तो यहाँ मैंने सिंगल टिक्की ली, आप डबल टिक्की का भी बना सकते हैं, मसाला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा गला ठीक नहीं हुआ था तो इसलिए मैं तीखा और खट्टा जो कम डलवा रही हूँ, आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। बहुत यम्मी बनती है, आप एक बार जाके ट्राई करेंगे। ये देखें, ये है ब्रेड टिक्की। मुँह में देखते मुँह में पानी आ गया होगा आपके। तो इसका पूरा प्रिपरेशन इस तरीके से है, ब्रेड डबल करके आप ये लगाते हैं। तो इनका ये सचिन चाट भंडार के नाम से है, ये रैनास करके है शॉप, उसके पास में ही है। जैसे ही आप राजौरी गार्डन के अंदर एंटर करते हैं, उसके राइट साइड में ही आपको इनका दिख जाएगा। इनको 35 साल हो चुके हैं। पहले इनका मतलब कि लकड़ी का ठेला टाइप का था, और अब इन्होंने देखिए कितने प्यारा से इन्हें काउंटर टाइप का बना लिया है। तो काफ़ी मशहूर है इनकी ये ब्रेड टिक्की। हम लोग ऑलवेज़ ब्रेड टिक्की ही खाने आती है मैं यहाँ पर, क्योंकि टिक्की तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ब्रेड टिक्की नहीं मिलती है। और आप सबने भी स्कूल टाइम पे ज़रूर खाई होगी ब्रेड टिक्की। अगर नहीं खाई है और अगर खाई है और मिस करते हो ब्रेड टिक्की को, तो यहाँ जाएँ। वेस्ट दिल्ली वाले तो आराम से इजीली जा सकते हैं। तो भाई मैं भी तो नोएडा से आई हूँ, लेकिन मेरा मकसद कुछ और था, मैं शॉपिंग करने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा कि राजौरी गार्डन ही चलते और ब्रेड टिक्की भी खा लूँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। आप लोग जाएँ और ट्राई करें। और ये सुना आपने कि भैया ऑर्डर भी लेते हैं, तो आप अपनी फैमिली में छोटी मोटी गैदरिंग भी अगर हो रही है, पार्टी हो रही है, तो उसके लिए भी आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं एक महीना पहले। तो आप मस्त से आप जाएं और जाके ट्राई ज़रूर करें। और एक और बात कि देखो 35 साल हो चुके हैं, लेकिन टेस्ट और जायका, मसाले सब वही हैं, इन्होंने चेंज नहीं करा। इनका कहना था कि इनके पापा ने ये कहा है इनको कि भले चांद चढ़ जाए, मतलब कि काम अच्छा हो जाए, लेकिन टेस्ट नहीं जाना चाहिए हाथ का। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने आलू चाट भी पैक कराई थी खाने के लिए, तो आलू चाट भी इनका मसाला बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ देखें काउंटर इनका कितना नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। चटनी वगैरह भी इनका बहुत अच्छा होता है, सॉसेस वगैरह, मसाले भी बहुत अच्छे होते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, मेरे कहने से एक बारी ज़रूर जाएं, और ब्रेड टिक्की ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ मैंने आलू लिया था और किसी का ऑर्डर भी आ गया था टिक्की का, तो ये वो टिक्की भी बना रहे हैं। मैंने तो आलू चाट का मसाला कम करवाया था, तीखा वगैरह और खट्टा, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, खट्टे से एलर्जी है। आप अपने हिसाब से करें। तो हमने दो आलू चाट के मतलब कि ऑर्डर दिया था भैया को, एक तेज़ और एक कम। तो आप यहाँ देखें, ये मेरा वाला है ऑर्डर जो हो रहा है, बहुत थोड़ा सा नींबू डाला है और चटनी वगैरह कुछ नहीं डाली है, इन्होंने ऐसे ही मिक्स करके मुझे दे रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने घर आके खाया था ये चाय के साथ में, और मैं बहुत मिस कर रही थी। अब मैं जब आऊँगी तब फिर जाऊँगी यहाँ पर। अच्छा, वेडनेसडे इनका ऑफ रहता है और टाइमिंग इनका 8 बजे तक ये रहते हैं वहाँ पर राजौरी गार्डन में, आप कभी भी जाके खा सकते हैं ये। अब ये मेरे हस्बैंड का ऑर्डर हो रहा है, उन्होंने आलू चाट उन्होंने भी पैक करा लिया था मेरा, देखा देखी। अदरवाइज़ वो भी ब्रेड टिक्की खाते हैं, वो कहीं नहीं खाते हैं टिक्की वगैरह, वो उनको गोलगप्पे का शौक है, उन्होंने गोलगप्पे भी खाए थे। इनके गोलगप्पे का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, आप गोलगप्पे भी इनका टेस्ट करें, ट्राई करें, आपको पूरे राजौरी वेस्ट दिल्ली में नहीं मिलेंगे ऐसे गोलगप्पे। तो अब ये बना रहे हैं
ज़्यादा तीखा वाला मसाला, देखो सारे मसाले और चटनी डाल रहे हैं, नींबू ज़्यादा डाल रहे हैं इसमें, सेब जो होता है वो भी डालेंगे इसमें नमकीन टाइप का। तो यहाँ मेरे हस्बैंड का जो है ऑर्डर वो भी कंप्लीट हो चुका है और ये अब पैक कर देंगे और अब ये बना रहे हैं टिक्की। किसी का ऑर्डर आया था, मैं आपको टिक्की का भी बना के दिखाती हूँ वीडियो। ये अब टिक्की जैसे इनकी तैयार होगी तो टिक्की देख के भी मन कर गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं ओवर ईटिंग हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं खाना है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम खाऊंगी मैं टिक्की को, अभी नहीं खाती हूँ। आप देख रहे हैं पैकिंग भी कितनी अच्छी कर रहे हैं, ये पैक भी अच्छा से करके दे रहे हैं। अच्छा अब ये बना रहे हैं, इनका मैरिनेशन है कुछ, ये चना दाल वगैरह डालते हैं टिक्की के अंदर, और कितना नीट एंड क्लीन से ये कर रहे हैं, ये इस तरीके से बना कर उसको रख रहे हैं अभी साइड में करके, फिर उसको तलते हैं, फ्राई करते हैं। अब ये बना रहे हैं टिक्की, मसाला डाल रहे हैं, मेरा तो सच में टिक्की खाने का मन कर गया है। और ये चटनी डाल रहे हैं और दही डाली है इन्होंने, इनका चटनी और ये सब मसाले अलग ही हैं, मैंने कहीं नहीं देखा वेस्ट दिल्ली में ये टेस्ट। तो चलिए अब खाना पीना तो हो गया, अब मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। शॉपिंग मैं कर रही हूँ, मेरी जेठानी जी का, उनकी बेटी का बर्थडे है 2nd, तो मैं बच्चों की शॉपिंग मैंने करी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, तो चलते देखते हैं। मैंने हर जगह देख लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं मैक्स में आई हूँ, कुछ ऑप्शंस मैक्स में, एक्चुअली क्या होता है ना कि ऑप्शंस मिल जाते हैं देखने को, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रही थी, इसमें सेल वगैरह भी लगी हुई है यार मैक्स में, तो मैंने अपनी शॉपिंग नहीं करी, अगर मैं अपनी करने बैठ जाती तो फिर तो हो गया शॉपिंग, तो इसलिए मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम। तो कुछ मतलब कि सॉफ्ट टॉयज वगैरह भी मुझे दिखे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन हमने सोचा कि हम ड्रेस लेते हैं, सॉफ्ट टॉयज हमने उसको बहुत दिए हैं, तो अब हम सोच रहे कि हम इसको ड्रेस देते हैं। तो यहाँ बच्चों के सेक्शन में हम जा रहे हैं, गर्ल्स सेक्शन में, तो मैंने कुछ देखा था, मेरे को फ्रॉक अच्छी लगी थी, मुझे ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैं सोची थी ये ले लूँ, लेकिन हस्बैंड को ये पसंद आया, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या लिया। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है, मैंने एक टॉय भी लिया है, सॉफ्ट टॉय लिया है एक मैंने लिया है उसके लिए, और ये मुझे बहुत क्यूट सा लगा था तो इसलिए मैंने लिया, और अच्छा रीज़नेबल रेट भी है वहाँ पर, काफ़ी अच्छा भी था ये, मैं दिखाती हूँ कितने का, 700 रुपीज़ का था ये टॉय। तो ये फ्रॉक लिया है मैंने एक, ये स्कर्ट है, इसके ऊपर का एक टॉप लिया, ये मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं, देखना उल्टा ही लगा दिया, अब ये देखो मैंने सही करवाया। तो ये पूरा ये एक स्कर्ट और टॉप लिया है, एक उन्होंने पजामा लिया है, और ये मैंने फ्रॉक लिया है, ये है 600 रुपीज़, 550 की ऐसे कुछ है, ये 299 की टी शर्ट अलग है, और 400 का स्कर्ट है, और 500 का पजामा है उसका नाइट वेयर के लिए। तो यहाँ देखें ये शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है हमारी, काफ़ी अच्छा मुझे लगा, और अभी थोड़ी छोटी है तो उसके हिसाब से हमने लिया, अब क्योंकि बच्चों की शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप मुझे बताएं मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलती हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।